अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब। और गाइस आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ए प्लस डी लेटर लोगो डिज़ाइन। तो गाइस ये टू लेटर लोगो डिज़ाइन है, तो मेरे पास एक ग्रेडिंग कलर है इसका जो है मैं आज यूज़ करूँगा। जो आपका फेवरेट कलर है आप उसको ग्रेड करेंगे, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आप करें वीडियो को इन्जॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइस इस लोगो को जो है मैं गोल कर्सल की मदद से और कुछ लाइंस की मदद से जो है इसको क्रिएट करूँगा और फुल आप लोग को एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि आप इस टू लेटर लोगों को कैसे क्रिएट करेंगे और बहुत ही इजी मेथड के साथ। तो गाइस आप मेरे वीडियो को एंजॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइस चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ लाइंस यहाँ पे जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका साइज़ जो है 1 पॉइंट और इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं और इसको जो है डुप्लीकेट कर लेता हूँ गाइस। ओके दैट्स गुड। अब हम गोल क्रिस्टल को लेंगे और ये सिंपल यहाँ पे उसको ड्रॉ कर देंगे और अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए इनको मैं अलाइनमेंट कर दूंगा। ओके दैट्स गुड। और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। ओके दैट्स गुड। और अब इस लाइन को एक बार दोबारा डुप्लीकेट करना होगा, तो गो टू एडिट कॉपी, गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस और इसको जो है वो हम 180 के एंगल पर रोटेट कर दूँगा। ओके दैट्स गुड। तो गाइस आप इस कर्सल की एक और डुप्लीकेट ले रहा हूँ, गो टू एडिट कॉपी, गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दूंगा। ओके दैट्स गुड। तो गाइस आपके पास ये वाला स्केच रेडी हो जाएगा। इसमें हम जो है अपना ए प्लस डी मॉडर्न लेटर लोगो जो है वो क्रिएट करेंगे और बहुत ही ईजी मेथड के साथ। तो गाइस अब आप लोगों का सारा प्रोसेस बताऊँगा कि आपने इसको स्टार्ट कहाँ से करना है और इसको फिनिश आपने कहाँ पर करना है। सो गाइस चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, शेप टूल लूँगा और इसमें ब्लैक कलर को फिल कर लेता हूँ। और गाइस यहाँ से मैं पहले सबसे पहले ए को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके दैट्स गुड। इसको भी फिल कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं साइज। ओके दैट्स गुड। अब हमने डी को क्रिएट करना है 100। अब इसको पहले ए को कम्प्लीट कर लूँ। ओके दैट्स गुड। अब डी को अगर तो आप यहाँ पे मैं इस तरह भी आप गाइस इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा मॉडर्न बनाना चाहता हूँ और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। सो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा, इसके साथ ही अटैच करूँगा आज। सो इसको यहाँ पे और गाइस यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक आपने यहाँ पे लाइन आपको लगानी होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नजर आए। सो इसको इस पर हमने यहाँ पे इसको फिनिश करना है। सो एक लाइन हमें क्रिएट करनी होगी और वो लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके गाइस कि ये इसके साथ अटैच ना हो। ओके दैट्स गुड। अब दोबारा जो है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके शेप टूल लूँगा, इसमें ब्लैक कलर को दोबारा जो है मैं फिल कर लूँगा और इसको जो हम क्रिएट कर देंगे गाइस। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको इसके साथ अटैच नहीं किया क्योंकि मैं इसको ज़रा ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। सो इसलिए मैंने इस लाइन का जो है वो यूज़ किया। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सो मैं इसको मुझे ज़्यादा इस तरह अच्छा लगा, सो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन को क्रिएट किया। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा ए और प्लस डी लेटर लोगो जो है वो क्रिएट हो गया। सो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करके एक साइड पे ले लूँगा, एक्स्ट्रा लाइंस को आप रिमूव कर दूंगा, इसका कोई इधर वर्क नहीं। आप सो इसको आप देख सकते हैं हमारा मॉडर्न लेटर लोगो जो है वो बिल्कुल क्रिएट हो गया। सो गाइस अब इसमें हम अपना कलर को फिल करेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो क्रिएट हो गया। सो अब इसमें चलें कलर को फिल कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, ई ड्रॉपर लेंगे और इस पर सिंपल क्लिक कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा लोगो जो है वो इसमें कलर ग्रेडियंट फिल हो गया। आप इसको थोड़ा सा क्रिएट कर लेती हूँ। ओके दैट्स गुड। तो गाइस यहाँ पे मैं एक और चीज़ ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। सो आपने क्या करना, इसको पेन टूल का थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो हम थोड़ा सा और सो चलें पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे इसको मैं क्रिएट कर लूँगा, कुछ आपने भी इसी तरह का जो है वो क्रिएट कर लेना गाइस। ओके
इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ मैं पहले तो। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें मैं वाइट कलर को फिल कर लेता हूँ गाइस, इसकी आउटलाइन को ऑफ कर देता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करते हुए आपने जो रखना है इस साइड से, इफेक्ट में जाना है और आपने यहाँ पे आपको ब्लर में चले जाना है और फर्स्ट वाले पे आपने क्लिक कर देना और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है गाइस। एट पे बिल्कुल परफेक्ट है। ओके गाइस, ये कुछ इस तरह का जो है क्रिएट हो जाएगा। सो इसकी एक और डुप्लीकेट बनाएंगे हम लोग। इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं और इसको रिफ्लेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा और इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। ओके डैशबोर्ड, तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है वो क्रिएट हो गया। सो आप इसको सेलेक्ट करते हुए सारे को हम लोग ग्रुप कर लेंगे और आप इसको जो है मैं बैकग्राउंड दूंगा गाइस डार्क ब्लू। तो यहाँ पे पहले मैं डार्क ब्लू को क्रिएट कर लेता हूँ गाइस। सेलेक्ट करूंगा, सेंड टू बैक, अरेंज में जाकर सेंड टू बैक। ओके दैट्स गुड, और इसका कलर वाइट कर लूंगा। और गाइस अगर आप इसको शेडो देना चाहते हैं तो शेडो भी दे सकते हैं। शेडो आप कैसे क्रिएट करना है, आपने गोल कर्सर लेना है, इसमें वाइट कलर को फिल कर लेना। सो आपने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेना है और क्रिएट करने के बाद हम नेक्स्ट चले जाएंगे एफएक्स स्टाइल्स और फीचर पे चले जाएंगे और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके दैट्स गुड। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है मेरा लोगो जो है आज का ए प्लस डी लोगो डिज़ाइन जो है मॉडर्न लेटर लोगो जो है वो क्रिएट हो गया। इसको मैंने गोल कर्सर की मदद से जो है वो क्रिएट किया। सो गाइस इस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी और आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।